इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके गूगल फोटोज़ की एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है मेमोरीज़ का। तो मेमोरीज़ का ऑप्शन होता है, ये कहाँ होता है पहले बता दूँ। गूगल फोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पर जीमेल में क्लिक करें, प्रोफाइल पे, फ़ोटो सेटिंग्स पे क्लिक करें, यहाँ होता है मेमोरीज़, इस पर क्लिक करें। सबसे पहले ऑप्शन आता है हाइड पीपल एंड पेट्स। तो मेमोरीज़ बेसिकली क्या होता है पहले बता दूँ। यहाँ पर देखिए ये जो स्पॉट लाइट ऑन द डे है, ये मेमोरीज़ है, बेसिकली यही मेमोरी है। यहाँ पर कोई ना कोई फ़ोटोज़ आपको आती रहती है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी आपकी जो पहले की फ़ोटोज़ हैं उसमें से कोई ना कोई फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर दिखती रहती हैं। तो वहाँ पर क्या बोला गया है कि आप चाहते हैं हाइड पीपल एंड पेट्स, आप चाहते हैं किसी की फ़ोटो हाइड करना, इस इंसान की या इस पेट, हो सकता है आपका कोई डॉगी होगा, अब नहीं है पहले था, तो बार बार किसी की फ़ोटो आ जाती है आपको बेवजह की याद आ जाती है, या किसी इंसान की फ़ोटो आप देखना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जितने भी लोग जितने भी पेट्स होंगे वहाँ पर सब ऑप्शन दिए रहेंगे, बस उस पर क्लिक कर दें। फिर मेमोरीज़ में स्पॉट लाइट में उस सामने वाले की फ़ोटोज़ आपको नहीं दिखाई देंगी, और आप पर्टिकुलर डेट्स को भी हाइड कर सकते हैं, यानी किस दिन क्या फ़ोटो ली गई हो, अपनी एनिवर्सरी की फ़ोटोज़ आप चाहते हैं कि डिलीट कर दें, कोई वेडिंग डेट डिलीट करना चाहते हैं, बर्थडे डेट हाइड करना चाहते हैं तो हाइड हो जाएंगी, इस दिन की फ़ोटोज़ आपको दिखाई नहीं देंगी आपकी स्पॉटलाइट में। इसी तरीके से फीचर्ड मेमोरीज़, आप टाइम बेस्ड मेमोरीज ऑन कर सकते हैं, थीम मेमोरीज ऑन कर सकते हैं, कहाँ पे कहीं घूमने गए आप, प्लेस, थिंग्स, फ़ोटोज़, और फीचर डेज प्रीवियस ईयर, पिछले साल की कोई भी मेमोरीज़ आप इनेबल कर सकते हैं, एंड कौन सी नोटिफिकेशंस आपको चाहिए नहीं चाहिए यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।